राजस्थान में आज जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। नई सरकार को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए नेतृत्व में राजस्थान सुशासन, समृद्धि और विकास के नए मानदंड स्थापित करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए शुक्रवार का दिन दोहरी खुशी वाला रहा। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की कमान संभाल ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा पहली ही बार विधानसभा पहुंचे हैं और पहली ही बार में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा जी के साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी को बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि वीर वीरांगनाओं का यह प्रदेश आपके नेतृत्व में सुशासन, समृद्धि और विकास के नित नए मानदंड स्थापित करेगा। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने के लिए भाजपा सरकार जी जान से जुटी रहेगी। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को हम धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता यह होगी। मैं चाहूंगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए और उत्थान का काम करें। जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी ख़राब है, हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे, वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई, राजस्थान में वो सब नहीं हुआ। तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीज़ें करने का काम, यही हम लोगों के लिए सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। भाजपा ने वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि मोदी राज में आम कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। हमारी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उसमें कार्यकर्ता का महत्व रहता है। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी पिछले 3 दशकों से लगातार संगठन का काम कर रहे हैं और हम सब लोग संगठन का काम करते हैं, तो संगठन ने निश्चित रूप से इस पर विचार करके आगे बढ़ाया है। इससे प्रत्येक कार्यकर्ताओं के संदेश गया कि मैं निरंतर धैर्य के साथ संगठन निष्ठ होकर के काम करता रहूं, तो निश्चित रूप से अवसरों की कोई कमी नहीं है। जनता के जबरदस्त विश्वास के साथ एक बार फिर सत्ता संभालने वाली भाजपा का कहना है कि वो राज्य के विकास को और रफ्तार देगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के विजन पर काम कर रही है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज़।